आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल मौजपुर के जवानों की साइकिल रैली का नूह जिले के मुंडका बॉर्डर पर पहुंचने पर स्वागत किया गया। यह साइकिल रैली 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। सशस्त्र सीमा बल के सहायक कमांडेंट रूपेश शर्मा ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य युवाओं में एकजुटता के अलावा कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाना और देश को आजाद करवाने वाले वीर शहीदों को याद करना है। हम लोगों का एक एसएसबी का सॉन्ग है जो कि हम लोग रोज गाते हैं, जोश भरा है सीने में, और हम उसी सॉन्ग को गाते हुए पूरे जोश फरोश के साथ हमारी टीम जो है आगे बढ़ रही है। और हम लोग समय से जो है अपने सशस्त्र सीमा बल जो 25वीं बटालियन है वहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद कल समय से राजघाट में पहुँचकर 2 अक्टूबर को राजघाट पहुँचकर वहाँ पे इसका समापन होगा। सीमा सशस्त्र बल के जवानों ने कहा कि देश के लिए वीर जवानों ने जो कुर्बानियां दी हैं उनकी याद में और युवा पीढ़ी को एकता का संदेश देने के लिए इस साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, उनका एक ही मानना है कि फिट इंडिया अहेड इंडिया। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें हर सुबह ज़्यादा नहीं तो 40 मिनट कम से कम अपनी साइकिलिंग या फिर योगा या फिर शारीरिक व्यायाम करना अति आवश्यक है। लोगों ने तो बहुत सारा साथ दिया हुआ है, हर जगह जगह स्वागत किया जा रहा है हमारा, तो उससे हमारा उत्साह और बढ़ रहा है। जोश जैसे हमारा सॉन्ग ही है, जोश भर रहा है सीने में है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं अभी। हमारे जितने भी साइकिलिस्ट हैं वो ऑलरेडी इस तरह के कार्यक्रम में जो है वो रहते हैं, तो इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई खास दिक्कत आई नहीं। छोटी मोटी दिक्कतें जैसे किसी साइकिल में परेशानी हो जाना, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, लेकिन इससे हमारे हौसले जो है वो कभी पस्त होते नहीं। साइकिल तो हम पहले से भी चलाते हैं, लेकिन अभी ये साइकिल रैली है तो दिन में कम से कम 100 किलोमीटर चल रहे हैं, तो इसमें और ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है।